नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद क्लासेस पर। समय हो रहा है जो GS की स्लाइड पर बात करने का। आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएँ, जिससे कि नई नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहली स्लाइड आप सभी के लिए ये रही। अगर हम बात करते हैं हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है, लास्ट स्लाइड अभी मतलब कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि हेली जो शिखर सम्मेलन है 2023 कहां पर होगा। तो हेली शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर होगा, मध्य प्रदेश में होगा और मध्य प्रदेश के खजुराहो में होगा। लास्ट टाइम की स्लाइड में हमने ये बात की थी। आज का क्वेश्चन ये है कि हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है, तो इसका है रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इस्पात मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा क्या है इस हेली शिखर सम्मेलन 2023 का जो उद्घाटन किया गया है। हेली शिखर सम्मेलन 2023 का जो उद्देश्य है, जो दूरस्थ अंचल है यानी कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र हो सकते हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र हो सकते हैं, या वो दुर्गम स्थान जहां पर सामान्य रूप से नहीं पहुंचा सकता है, वहां पर हेलीकॉप्टरों के माध्यम से या कहें कि छोटे विमानों के माध्यम से जो सुविधाएँ हैं उन तक पहुँचाने के लिए जो है नई विमान तकनीक है उस पर जो है काम किया जाएगा। इसके उद्देश्य से क्या है इस हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। अगर हम हेली शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो ये संयुक्त रूप से जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है वो पवन हंस लिमिटेड जो कि प्राइवेट हेलीकॉप्टर कहते हैं प्रदाता सेवा प्रदाता कंपनी है वो, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के सहयोग से किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं शिखर सम्मेलन के उद्देश्यों के लिए, तो भारतीय हेलीकॉप्टर और लघु विमान उद्योग की विकास कहानी पर चर्चा करने के लिए सभी उद्योग हितधारकों और नीति निर्माताओं के लिए एक साझा मंच प्रदान करना हेली जो शिखर सम्मेलन 2023 है उसका लक्ष्य है। इसके साथ साथ ये सुदूर और पहाड़ी इलाकों में उड़ान योजना का दायरा बढ़ाने और देश की ग्रामीण से शहरी कनेक्टिविटी का विस्तार करने पर भी जोर देता है। निर्बाध सेवाएँ प्रदान करके मौजूदा और संभावित पर्यटन हॉटस्पॉट वाले स्थानों पर हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य है। तो ये जो शुरुआत की गई है हेली शिखर सम्मेलन की, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में की गई है खजुराहो में। पर्यटन और इस्पात मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा इस जो है मिशन का शुभारंभ किया गया, रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट, ये जो है इसका अंतिम उद्देश्य है। ठीक, चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चीन ने हाल ही में अपने एक नए विदेश मंत्री को नियुक्त किया है, और ये ऐसा किया गया है जो चीन के पुराने विदेश मंत्री हैं वो अचानक लापता हो गए हैं, यानी कि वो जो हैं गायब हो गए हैं रहस्यमय तरीके से। तो उनकी जगह पर नए विदेश मंत्री को नियुक्त किया गया है, और इन नए विदेश मंत्री का नाम क्या है, तो इन नए विदेश मंत्री का नाम है वांग यी। वांग यी जो है वो चीन के नए विदेश मंत्री हैं। वांग यी को लापता विदेश मंत्री किन गैंग की जगह चीन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। चिन गोंग को विदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया है। चीन की शीर्ष विधायिका ने विदेश मंत्री के रूप में वांग यी की नियुक्ति के पक्ष में वोट किया। अपने अल्पकालिक उत्तराधिकारी को अचानक हटाए जाने के बाद चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी विदेश मंत्री के रूप में अपनी पिछली भूमिका में लौट आए हैं, जिस पर उन्होंने 2013 से 2022 तक काम किया था। सिरिकिन को हटाए जाने को लेकर कोई भी स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है। यदि हम चीन की बात करते हैं तो चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, मुद्रा है रनबी। ठीक है, तो चीन की मुद्रा क्या है, रनबी। सही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राजधानी बीजिंग, चाइना, और नए विदेश मंत्री हैं वो कौन है, वांग यी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन ये है कि जुलाई 2023 में पश्चिम बंगाल की
पेट्रापोल सीमा से किस देश के लिए पहला रुपया व्यापार शिपमेंट शुरू हुआ? ठीक है, जुलाई 2023 में पश्चिम बंगाल की पेट्रापोल सीमा से किस देश के लिए पहला रुपया व्यापार शिपमेंट शुरू हुआ? तो ये किसके साथ शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल की सीमा है पेट्रापोल, और वहां से बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के लिए क्या है, रुपये व्यापार शिपमेंट जो है वो शुरू हुआ है। अब बांग्लादेश की यदि हम बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जो कि लंबे समय से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में काबिज हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अब हम बात करते हैं इस व्यापार शिपमेंट के बारे में। तो जुलाई 2023 में पश्चिम बंगाल की पेट्रापोल सीमा से बांग्लादेश के लिए पहला रुपया व्यापार शिपमेंट शुरू हुआ। 24 उत्तर परगना में स्थित पेट्रापोल पड़ोसी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार के लिए प्रमुख भूमि बंदरगाह है। भारत सरकार विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए कई देशों के साथ रुपए के व्यापार को बढ़ावा दे रही है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना है और क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को मजबूत करना है। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैनेजर कमलेश सैनी के मुताबिक शिपमेंट की कीमत 1.23 करोड़ रुपए है। बांग्लादेश और भारत में बैंकों को नोस्ट्रे खाते खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये विदेशी मुद्रा लेन देन के उद्देश्य दूसरे देश के बैंक में खाता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत से बांग्लादेश का आयात 13.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और भारत को निर्यात 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। तो किस देश के साथ? पश्चिम बंगाल की पेट्रापोल सीमा के साथ जो है एक नया शिपमेंट जो है शुरू किया गया है, तो बांग्लादेश के साथ क्या ये नया शिपमेंट, व्यापार शिपमेंट जो है वो शुरू हुआ है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने प्रधानमंत्री किसान समिति केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समिति केंद्र PMKSK शॉर्ट नाम है इसका, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान समिति केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो प्रधानमंत्री ने वर्तमान में 1,25,000, कितने 1,25,000, लाख लिखा हुआ है आगे, जरा इसमें इसको उधर लिख दिया है, 1.25 लाख जो किसान समिति केंद्र हैं वो राष्ट्र को समर्पित किए हैं। अब ये जो ये जो कृषि केंद्र समर्पित किए गए, ये राजस्थान के सीकर में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, और उस राजस्थान के सीकर में क्या है, इन 1,25,000 किसान सेवा केंद्रों को, प्रधानमंत्री किसान समिति केंद्रों को क्या है जी समर्पित करेंगे, नहीं समर्पित किए, हाँ सॉरी समर्पित करेंगे सीकर में 1,25,000 प्रधानमंत्री जो है किसान समिति केंद्रों को राष्ट्र के लिए समर्पित करेंगे। ये कृषि केंद्र संबंधी सभी इनपुट और सेवाओं के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेंगे। भारत सरकार ने मौजूदा गांव, ब्लॉक और जिला स्तरीय उर्वरक खुदरा दुकानों को मॉडल उर्वरक खुदरा दुकानों में बदलने का निर्णय लिया है, जिन्हें प्रधानमंत्री किसान समिति केंद्र भी कहा जाता है। ये केंद्र किसानों को विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करेंगे और कृषि इनपुट, मिट्टी और बीज के परीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री यूरिया गोल्ड भी लॉन्च करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले परीक्षाओं में, यूरिया गोल्ड क्या है, ठीक है, यूरिया गोल्ड क्या है, यूरिया गोल्ड सल्फर लेपित यूरिया की एक विशेष किस्म की जो है नई वेराइटी है, जो सल्फर जहाँ पर कमी है, जहाँ पर भूमि की भूमि में वहाँ पर इसकी जो है जरूरत पड़ती है, तो प्रधानमंत्री सल्फर लेपित यूरिया की एक नई किस्म को भी जो है लॉन्च करेंगे। और कार्यक्रम के दौरान वे डिजिटल कॉमर्स के ओपन नेटवर्क पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल करने का भी शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 14वीं किस्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की राशि DBT के माध्यम से भी क्या है हस्तांतरित करेंगे। यानी ये वो राशि है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा जो है किसानों के खाते में दी जा रही है, और पूरे देश की बात करते हैं तो ये 14वीं किस्त होगी, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त होगी। अभी तक 13 किस्तें दी जा चुकी हैं और ये जो राशि होगी वो 17,000 करोड़ रुपए की होगी। यानी कि 14वीं किस्त में कितने रुपए दिए जाएंगे, 17,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी कि अब तक जो किसान भाई इस योजना में पंजीकृत है वो 13 किस्तें किसान सम्मान निधि के रूप में
ले चुके हैं। एक वर्ष के अंदर किसान सम्मान निधि की 3 किस्तें, ठीक है, 3 किस्तें दी जाती हैं। किस 6,000 रुपये टोटल इसकी राशि है, वो आपके लिए मिलेगी, 2,000 करके 3 बार में, सही है, 2,000 करके प्रत्येक किस्त के रूप में दी जाएगी। तो ये लगभग 6,000 रुपये की राशि प्रत्येक वर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में आती है। और प्रधानमंत्री 14वीं किस्त के रूप में जो है आप 17,000 करोड़ रुपए की राशि फिर से किसानों के खाते में हस्तांतरित करने वाले हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम में सरकारी कर्मचारियों को जो है वो 1 साल की मैटरनिटी लीव दी जाएगी। 1 साल की मैटरनिटी का मतलब है कि जो महिला कर्मचारी हैं उनके लिए वो अपने यहाँ 12 महीने की मैटरनिटी लीव और 1 महीने की पेटर्निटी लीव देने का निर्णय लिया है। तो ये किसके द्वारा? सिक्किम सरकार के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैटरनिटी लीव किसके लिए, जो यानी कि मातृत्व लाभ है वो किसके लिए देता है? महिलाओं के लिए दिया जाता है। और 2016 में एक विधेयक लाया गया था, 17 में, मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 को 2017 में संसद के द्वारा पारित किया गया था, जो पहले के 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह के संवैतनिक मातृत्व अवकाश का अधिकार देता था। यानी कि अब 26 सप्ताह तक कोई महिला अपने जो गर्भस्थ शिशु है या कहें जिसका हाल ही में जन्म हुआ है उसकी देखभाल के लिए 26 सप्ताह का जो है पेड अवकाश ले सकती है। और इन 26 सप्ताहों का जो भुगतान है वो नियोक्ता के द्वारा उसको दिया जाएगा, उसमें कोई भी राशि का कटौती नहीं की जाएगी। अगर हम बात करते हैं और भारतीय मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में यह प्रावधान भी है कि नई माताएं अपने पहले 2 बच्चों के लिए 6 महीने या 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश लेने की हकदार हैं। प्रत्येक अगले बच्चे के लिए माँ 3 महीने या 12 सप्ताह की छुट्टी ले सकती है, जिसका पूरा भुगतान भी नियोक्ता के द्वारा किया जाता है। सिक्किम सरकार ने 12 महीने की मैटरनिटी लीव और 1 महीने की पेटर्निटी लीव देने का जो है संशोधन किया, यानी कि कुल 13 महीने की जो छुट्टी है वो वहाँ पर महिला कर्मचारी मातृत्व लाभ योजना के तहत ले सकती हैं। अगर हम बात करते हैं सिक्किम के बारे में तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, तो वर्तमान में मणिपुर चर्चा में है, तो मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर के राष्ट्रपति कौन, सॉरी मणिपुर के राज्यपाल कौन है और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर देते हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द्वारा KGFS ने 10 राज्यों में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सूक्ष्म व्यापार इकाइयों को व्यवसायिक पूंजी प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ सह उधार साझेदारी में प्रवेश किया है? द्वारा एक संस्था है, उसके द्वारा जो है HDFC बैंक के साथ क्या है, एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। तो HDFC बैंक के साथ द्वारा KGFS के साथ क्या है, एक समझौता ज्ञापन का जो है वो हस्ताक्षर हुए हैं। अब हम बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में, इसकी स्थापना 1 जुलाई 2023 में HDFC और HDFC बैंक के विलय के माध्यम से की गई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र भारत में है, अध्यक्ष अतुल चक्रवर्ती है, CEO शशिधर जगदीशन है। अब बात करते हैं द्वारा KGFS ने 10 राज्यों में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली सूक्ष्म व्यापार इकाइयों को व्यवसायिक पूंजी प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ एक सह उधार साझेदारी में प्रवेश किया है। इसके तहत जो है जो किसान संगठन है उनके लिए क्या है, द्वारा जो संगठन है वो HDFC बैंक की सहायता से क्या है, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। मोटे मोटे तौर पर इसका कंक्लूजन यही है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 2013 के लिए क्रिसिल की कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में HDFC बैंक ने SBI को पीछे छोड़ दिया है। क्रिसिल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्रिसिल क्या है? क्रिसिल एक संस्था है जो कि बैंकों की मॉनिटरिंग करती है। बैंकों के लिए क्या है, बैंकों के लिए जो है वो अपनी एक रिपोर्ट देती है। तो बैंकिंग रैंकिंग के लिए हम बात करते हैं तो इस HDFC बैंक ने क्या है, SBI बैंक को पीछे छोड़ दिया है। यदि हम SBI बैंक की बात करते हैं तो भारत के सबसे बड़े बैंकों में एक बैंक है SBI बैंक। इस बैंक को भी क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है HDFC बैंक ने पीछे छोड़ दिया है। तो क्वेश्चन यह है कि 2023 के लिए क्रिसिल की कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में किस बैंक ने SBI को पीछे छोड़ दिया है? तो क्रिसिल की कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में HDFC ने जो है SBI के लिए पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। HDFC बैंक ने किसको, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए पीछे छोड़ दिया है।
यदि क्रिसिल की बात करते हैं, क्रिसिल पूर्व में इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट रेंटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक भारतीय विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेंटिंग अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है और अमेरिकी कंपनी S&P ग्लोबल की सहायक कंपनी है। ठीक है, कौन सी कंपनी? S&P ग्लोबल कंपनी की सहायक कंपनी है कौन सी? क्रिसिल। और इसकी स्थापना भारत में जो बैंकिंग सेवाएं हैं, जो बैंक हैं उनके लिए रैंकिंग प्रदान करने के लिए किया गया है। स्थापना इसकी 1987 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। MD और CEO अमीश मेहता हैं। CFO की यदि हम बात करते हैं तो संजय चक्रवर्ती इसके CFO हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय कंपनियां देश के सबसे बड़े बैंकों के साथ जुड़ रही हैं ताकि उन्हें बड़ा, अधिक अंतर्राष्ट्रीय और अधिक कुशल बनाने के अभियान में मदद मिल सके, तो इसमें क्रिसिल की जो रेंटिंग है वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो एक हेरिटेज स्टेशन है जिसका नाम है बायकुला रेलवे स्टेशन जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है और बायकुला रेलवे स्टेशन के लिए जो है आपका यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इसका नाम है भैखला रेलवे स्टेशन। ठीक है, भैखला इसका नाम है और बायकुला जो है उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आम जनमानस में बायकुला के नाम से जाना जाता है लेकिन भैखला रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम है। अगर हम बात करते हैं तो ये कितना, लगभग 169 वर्ष पुराना रेलवे स्टेशन है जो कि अंग्रेजों के दौर में क्या था स्थापित किया गया और ये रेलवे स्टेशन मुंबई उपनगरीय रेलवे की सेंट्रल लाइन पर स्थित है। जुलाई 2019 में आई लव मुंबई की ट्रस्टी साइना NC द्वारा उनके पिता नाना चुड़ासमा की याद में लॉन्च की गई इस परियोजना का उद्देश्य स्टेशन के मूल वास्तुशिल्प वैभव को पुनर्जीवित करना था। भैखला स्टेशन के लिए यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के लिए दिया गया। मुंबई में 169 साल पुराना भैखला रेलवे स्टेशन भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है जो अभी भी उपयोग में है। ठीक है, दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय यानी CSMVS ने पिछले साल सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में उत्कृष्टता का सर्वोच्च पुरस्कार जीता था जब भैखला रेलवे स्टेशन को मान्यता प्रदान की गई थी। तो बायकुला या भैखला रेलवे स्टेशन क्या है? एशिया यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार को जीतने वाला एक रेलवे स्टेशन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं RBI के बारे में। RBI ने जो 22 देश हैं उनमें जो है वेस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दे दी है। तो क्वेश्चन ये है कि RBI ने बैंकों को कितने देशों में रुपए में व्यापार के लिए वेस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी है? तो देश के जो 20 बैंक हैं, 20 बैंकों को 22 देशों में वेस्ट्रो खाते खोलने की जो है अनुमति प्रदान की गई है। इन वेस्ट्रो खातों में क्या है कि जो रुपए का ट्रांजेक्शन है रुपए में जो है लेन देन हो सकता है, रुपए में लेन देन किया जाएगा, क्योंकि यदि आप पढ़ रहे हैं तो भारत सरकार जो है वो व्यापार के लेन देन में डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहती है और इसी के लिए जो है वो विभिन्न देशों के साथ जो है समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर रही है। जैसे कि अभी हाल ही में UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ उसका एक समझौता हुआ है जिसमें वो रुपए में अपने व्यापार का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो बांग्लादेश, बेलारूस, बोस्वाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, कजाकिस्तान, केन्या, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम, ऐसे भी देश हैं जिनके साथ क्या है हम अपने व्यापार का जो है रुपए में कर रहे हैं, यानी कि अब हम उनका भुगतान रुपए में करेंगे और उसको अपने देश की मुद्रा में उसके लिए कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि अब ये जो व्यापार होगा वो डॉलर में नहीं किया जाएगा और इससे कहीं ना कहीं जो भारतीय मुद्रा है उसकी जो शाख गिर रही है या कहें भारतीय मुद्रा का जो प्रभाव है उसमें धीरे धीरे वृद्धि होगी। तो इसीलिए इसके लिए RBI ने जो है 22 देशों में वेस्ट्रो खातों खोलने की अनुमति दी गई है और सभी सरकारी बैंकों यानी कि 20 बैंकों के लिए जो है ऐसी परमिशन दी गई है।
अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। गवर्नर कौन है इसके वर्तमान में? शक्तिकांत दास है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। फेडरल बैंक के बारे में, किस बैंक ने एनआरआई महिलाओं के लिए एनआर बचत खाते लॉन्च किए हैं? किस बैंक ने महिलाओं के लिए एनआर जो है बचत खाते लॉन्च किए हैं? फेडरल बैंक के द्वारा जो क्या है ये बचत खाते लॉन्च किए गए हैं। अब हम बात करते हैं फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में की गई। 2 दिसंबर 1949 को ये फेडरल बैंक के रूप में सामने आया। संस्थापक कौन है? केपी होर्मिस है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? अलुवा कोच्चि यानी कि केरल भारत में है। एमडी और सीईओ की बात करते हैं तो श्याम श्रीनिवासन है। महिलाओं के लिए 2023 में अनिवासी भारतीय महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक अनूठी एनआर बचत खाता योजना है। इसकी योजना के तहत 78 लाख रुपए का मानार्थ बीमा कवरेज उपलब्ध है। ठीक है, 12 वर्ष से कम उम्र के 2 बच्चों के लिए 0 बैलेंस पर खाता खोले जाने की भी इसमें फैसिलिटी दी गई है। बाल शिक्षा को शामिल किया गया है। आकस्मिक मृत्यु, अस्पताल नगद और कार्ड सुरक्षा जैसे कई फीचर्स इस योजना में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो महिलाओं के लिए एनआर बचत खाते जो लॉन्च किए गए हैं वो किस बैंक के द्वारा किए गए हैं? फेडरल बैंक के द्वारा किए गए हैं। और फेडरल बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कोच्चि केरल में है। चलिए, थैंक यू। तो आज के लिए थी ये स्लाइड्स यानी कि डीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।